क्या आप भी YouTube थंबनेल नहीं बना पाते हैं? इधर देखिए, 2 मिनट में बनाता हूँ। चलिए देखिए, बन गया। अगर आप भी चाहते हैं ऐसा थंबनेल बनाना, मैं आपको बताऊंगा। सिर्फ 2 मिनट लगेगा और आप थंबनेल बना लेंगे, वो भी पिक्सल लेप से। तो वीडियो में बने रहिए और चलिए मोबाइल स्क्रीन पे। चलिए मैं बता दो, पहले तो अपना पिक्सल ओपन करिए। पिक्सल ओपन करने के बाद यहाँ पर क्लिक, 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद साइज पे जाने के बाद और यहाँ पे थंबनेल यूट्यूब थंबनेल पे सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको थोड़ा स्क्रॉल करना है और कलर पे चले जाना है। कलर पे जाकर आप यहाँ पे अपना बैकग्राउंड को सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से कलर भी चूज कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ से आप, मैं कलर को सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद आप क्या करेंगे, जो कलर आपको अच्छा लगेगा वो ले लेंगे। लेने के बाद यहाँ से अपना कलर को मिनिमाइज मैक्सिमाइज कर सकते हैं और ओके पे क्लिक करने के बाद आपका बैकग्राउंड मिल गया। अब बैकग्राउंड मिल गया तो आप क्या करेंगे, हम लोग एक कटआउट मैंने बनाया था, इंपोर्ट में जाके उसको ले लेंगे। अब लेने के बाद क्या करेंगे, इसको एडजस्ट कर लेंगे अच्छे से ताकि अच्छा दिखे। एडजस्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, एक इसको शेडो देंगे। शेडो देने के बाद और थोड़ा सा इसमें लाइट करेंगे। लाइट करने के बाद अब क्या करेंगे, हम इसको भी इनेबल कर देंगे। और करने के बाद वाले ऑप्शन पे जाके एक सेप बना लेंगे अच्छा का, आप जैसे चाहे वैसा सेप बना सकते हैं। तो चलिए मैं बना देता हूँ। सेप बनाने के बाद क्या किया जाएगा, अब लिख दिया जाए, इसको भी थोड़ा शेडो दे दिया जाए ताकि दिखने में अच्छा लगे। अब क्या किया जाए, यहाँ पर लिख दिया जाए कुछ, जैसे थंबनेल वगैरह बनाते हो कुछ भी लिख सकते हैं। तो चलिए मैं लिख देता हूँ, मेरे जैसे थंबनेल कैसे बनाए, बस मेरे जैसा लिख देता हूँ। अब यहाँ ऊपर इसको एडजस्ट कर लेंगे अच्छे से और इसको भी शेड वेडो देके कलर भी सेलेक्ट, अच्छा सा कलर जो अच्छा लगे उसे सेलेक्ट कर देंगे। चलिए जल्दी से मैं यहाँ पे सारा ऑप्शन को चालू कर देता हूँ ताकि दिखने में अच्छा लगे, और 3D लुक भी दे देता हूँ उसको। अब क्या लिखेंगे, जो बनाया था उसको भी दिया जाएगा थंबनेल। थंबनेल लिखने के बाद उसको थोड़ा सा हल्का सा शेडो और कलर देने के बाद अब देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अब क्या करेंगे, इसको येलो कलर हम लोग देंगे ताकि दिखने में अच्छा लगे। यहाँ से कलर के ऑप्शन पर जाएंगे और कलर को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने ओके क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए कितना प्यारा सा, और यहाँ से आप उसका स्टाइल को भी बदल सकते हैं। तो देखिए परफेक्ट लग रहा है, अब देखिए परफेक्ट तो लग रहा है, अच्छा लग रहा है। इसको भी थोड़ा सा लुक देंगे अच्छा सा और इसको शेडो देंगे। देने के बाद अब क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे कुछ, यहाँ पर लिखेंगे कैसे बनाएं मेरे जैसा यूट्यूब थंबनेल, मेरे जैसा थंबनेल कैसे बनाएं, वो भी सिर्फ 2 मिनट में। इसको लिखने के बाद चलिए मैं कर देता हूँ और शेडो वेडो उसको दे देता हूँ जो नीचे ऑप्शन में दिया हुआ है सारा। अगर ऐसे आप थंबनेल बनाएंगे जरूर आपका क्लिकेबल थंबनेल कोई भी क्लिक कर देगा आपको थंबनेल पे। तो चलिए यहाँ से हम कलर देते हैं इसको, सर वही लगाइए और यहाँ पे चलिए इसको 3D लुक देते हैं। अब क्या करेंगे, हम लोग फोटो लगाएंगे। मैंने पहले से बहुत सारे यूट्यूब थंबनेल बनाए थे, नीचे लगा देंगे ताकि अच्छा लगे, क्योंकि यूट्यूब थंबनेल बनाना सिखा रहा हूँ इसलिए तो थंबनेल का एग्जांपल तो देना पड़ेगा ना। तो इसलिए मैं 2-3 थंबनेल नीचे लगा दूंगा ताकि अच्छा लगे। तो चलिए जल्दी से मैं लगा देता हूँ, एडजस्ट करेंगे अच्छे से ताकि दिखने में अच्छा लगे। थंबनेल बनाने का मतलब कैसे वैसे कहीं भी लिख देंगे नहीं होगा, उसका अच्छा सा परफेक्ट लुक देकर अच्छे से लिखना होता है, लोगों पर अच्छा इंप्रेशन बने ताकि बहुत क्लिक करें थंबनेल पर, आपके वीडियो को वॉच करें। बहुत आसान तरीका है बीजी रिमूव करने का, चाहिए क्रोम पे और बीजी रिमूव सर्च कीजिए और अपना फोटो उस पर अपलोड करिए। अपलोड करने के बाद आपको बैकग्राउंड रिमूव फोटो मिल जाएगा जो आप यहाँ से आसानी से लगा सकते हैं। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है थंबनेल। अगर आप 2 मिनट नहीं 10 मिनट तो लगेगा ही बनाने में, और इसको अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे। यहाँ पे ऊपर एक पिक्सल ऐप का लोगो लगा देंगे क्योंकि पिक्सल ऐप से बना रहे ना, तो इसको भी अच्छे से क्रॉप करेंगे ताकि बैकग्राउंड ना दिखे। इसको ऊपर लगा देंगे थंबनेल के पास ताकि लोगों को पता चले कि मैं पिक्सल ऐप से थंबनेल बना रहा हूँ। इसको भी शेडो देंगे और ताकि अच्छा लगे। और वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।